हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप यूज़ करते हैं इंडियन स्टॉक्स को और यूएस स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए आईएनडी मनी, क्योंकि आईएनडी मनी से आप यहां पर इंडियन स्टॉक्स में प्लस का यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म से। ठीक है, देख सकते हैं कि नीचे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, आईएनडी स्टॉक्स का और यूएस स्टॉक्स का। तो यहाँ पर एक ही जगह से दोनों जगह आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है, अगर आप वहाँ पर वॉचलिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वॉचलिस्ट किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आईएनडी स्टॉक्स पर आना है और फिर यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिल जा रहे होंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ माई स्टॉक्स का, दूसरा एक्सप्लोर का, तीसरा दिया हुआ वॉचलिस्ट का। वॉचलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो सब ऑप्शन है वो यहाँ पर आपके खुल जाएंगे। देख सकते हैं कि मैंने एक अपनी वॉचलिस्ट क्रिएट की हुई है लॉन्ग टर्म स्टॉक्स करके, उसमें टाटा एलेक्सी, टाटा पावर, टाटा स्टील और रिलायंस को मैंने ऐड किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर और भी वॉचलिस्ट देख सकते हैं कि 5 वॉचलिस्ट आपकी ऑलरेडी बनी हुई हैं। ठीक है, मतलब उनके नाम बने हुए हैं, उनको आप एडिट कर सकते हैं और उसमें स्टॉक्स को जोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये दूसरा वाला वॉचलिस्ट है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इसमें जो स्टॉक्स है मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा कि नीचे ऐड स्टॉक्स का नाम दिया, उस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर स्टॉक्स को मुझे सर्च करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर स्टॉक्स को सर्च कर लेता हूँ तो देख सकते हैं कि टाटा एलेक्सी आ चुका है। प्लस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर स्किप नाउ कर दूँगा। ठीक है, तो ये ऐड हो चुका है टाटा एलेक्सी। और मैं और भी ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि KPIT। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको मैंने ऐड कर लिया है। और टाटा टेक को मैं ऐड कर लेता हूँ, TATATEC। ठीक है, तो टाटा टेक्नोलॉजी को मैंने ऐड कर लिया है और केल्टन KELL केल्टन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये स्टॉक्स हैं इनको मैंने अपनी जो वॉच लिस्ट उसमें ऐड कर लिया है। अब चलिए बैक हो जाता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर केल्टन टेक को, टाटा टेक्नोलॉजी को, KPIT को और टाटा एलेक्सी को मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो ये क्या है, मेरी अपनी वॉचलिस्ट बन गई है। ठीक है, अब इन स्टॉक्स पर मैं नज़र रख सकता हूँ। और इनको अगर आपको जो वॉचलिस्ट का जो नाम है उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैनेज का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो नाम है उसको आप एडिट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि AI स्टॉक्स। ठीक है, AI स्टॉक्स देख सकते हैं, या फिर IT सॉफ्टवेयर स्टॉक्स, कुछ भी नाम दे दीजिएगा अपने समझने के लिए। ठीक है, मैंने ये ऐड कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर किसी को भी डिलीट करना है तो सामने डिलीट का ऑप्शन दिया तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और इनमें अगर प्राइस अलर्ट लगाना है तो देख सकते हैं कि सामने यहाँ पर प्लस का ऑप्शन, यहाँ पर स्टॉप वॉच का बना हुआ ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि प्लीज़ इनेबल नोटिफिकेशन फॉर अलर्ट। तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, जैसे कि मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पर इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, इनेबल कर दिया है मैंने, क्योंकि अलर्ट लगाने पड़े तो इनेबल मैंने कर दिया है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि मैंने केल्टन टेक में यहाँ पर इनेबल कर दिया है। अब यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि कौन कौन से आपको अलर्ट लगाने हैं। ठीक है, अलर्ट व्हेन केल्टन एज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्राइस मूवमेंट, कस्टम अलर्ट प्राइस परसेंटेज चेंज, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये दिया हुआ है कि अब कितना परसेंटेज ऊपर जाए, कितना परसेंटेज नीचे जाए तब आपको अलर्ट मिल जाए। तो इस तरीके से आप अलर्ट लगा सकते हैं, जैसे कि मैं ये कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब 2.5% ऊपर जाए तो मुझे अलर्ट मिल जाए, तो ये अलर्ट लग गया। इस तरीके से आप यहाँ पर अलर्ट लगा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों देख सकते हैं कि अलर्ट लग गया है, तो ये किस तरीके का येलो कलर का हो चुका है और ये बाकी यहाँ पर ये खाली है। ठीक है, उसको मैं बैक हो जाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो वॉच लिस्ट है वो मैंने यहाँ पर बना दी है। ठीक है, AI स्टॉक्स का और ये लॉन्ग टर्म स्टॉक्स का मैंने पहले बनाया हुआ था, और इसी तरीके से 3 वॉच लिस्ट और हैं, उनको भी आप बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से अगर आप यहाँ पर INDIA स्टॉक्स में या फिर US स्टॉक में अपनी वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए रखें बहुत सारा ध्यान। थैंक यू।